हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एयरफोर्स एक्स ग्रुप से ये मैं आपको फिजिक्स का पिछले वर्ष का पेपर लेके आया हूँ, ठीक है। फिजिक्स का पिछले वर्ष का पेपर, ये यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 25 में आपके कितने मार्क्स आते हैं ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आपको फिजिक्स हार्ड लगती है लेकिन आपको मैं फिजिक्स थोड़ा कराता रहूँगा, ठीक है। इसमें आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी आपका फिजिक्स का पिछले वर्ष का पेपर है तो आप इसको पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, पिछले वर्ष का पेपर है, ठीक है। जूल प्रति किलोग्राम निम्नलिखित में से किसका मात्रक है, जूल प्रति किलोग्राम, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा जूल प्रति किलोग्राम। इन चारों ऑप्शन में बताइएगा राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो जूल को क्या लिखते हैं, ऊष्मा का मात्रक जूल होता है और जो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ये क्यू अपॉन में एम आ गया, ठीक है। तो आपको ये नहीं पता कि आप इसमें मात्रा कैसे निकाल लेंगे, तो क्यू अपॉन में एम, तो ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, क्यू बराबर क्या होता है, एम एल होता है, तो एल बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन में एम होता है। तो यहाँ पे आप एल रख सकते हैं। अब ये जो एल है वो आपका होता क्या है ये बताइए, एल आपका ये लेटेंट हीट होता है, मतलब गुप्त ऊष्मा, ये आपकी गुप्त ऊष्मा पहले ऑप्शन में दी गई, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का मतलब कि वो आपका विमी सूत्र क्या होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो L2T-2 होता है, ये आपका विमी सूत्र होता है। और आपने देखा होगा कि आग में हाथ मतलब लगाने पर आग का पेचा भाप में लगाने ज़्यादा दिक्कत होती है, जलन फील होती है भाप से, इसलिए होती है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, लेटेंट हीट पाई जाती है, इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25 क्वेश्चन है, यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टॉपिक देख लीजिए कहाँ से कितने टॉपिक आता है, और यहाँ पे 25 टाइप के क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो 25 यहाँ पे आपको टाइप सीखने को मिलेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, पूरा वीडियो प्लीज देखिएगा पूरा ध्यान से, ठीक है। लिखा है कि 0. यहाँ पे लिख रहा है 0.0059। देखिए सार्थक अंक के जो जैसे कि पूछा जाता है सार्थक अंक की संख्या निकालिए, तो सार्थक अंक के आपके काफ़ी नियम है, ठीक है। तो कम से कम 7-8 नियम है, तो उनको आप देख लीजिएगा। पहला नियम तो ये है कि दशमलव के बाद अगर नॉन डिजिट होती है, नॉन डिजिट मतलब होता है कि जिसमें जीरो ना हो केवल, अब ये 5-9 नॉन डिजिट है, और नॉन डिजिट के पहले जितने शून्य या जीरो होते हैं वो कभी गिने नहीं जाते। तो यहाँ पर ये शून्य आपके गिने नहीं जाएंगे, केवल आपके 5-9 मतलब कि 2 सार्थक अंक हैं, ठीक है। दोस्तों समझ में आ गया होगा, आपको फिर से यहाँ पे बता देते हैं, दशमलव के बाद में जितने नॉन डिजिट होते हैं, मतलब नॉन डिजिट मतलब होता है जीरो ना हो या शून्य ना हो, जितने भी नॉन डिजिट के पहले शून्य होते हैं, ये 3 शून्य दिए वो कभी नहीं गिने जाते, तो 5-9 केवल बचा दशमलव के बाद, तो इसका मतलब 2 सार्थक अंक आपके बचेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका तीसरा राइट ऑप्शन है। यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सदिश ए वेक्टर है और ये 4i-2j - 5k तथा बी वेक्टर बराबर -2i - 4j + 3k दिया गया है, इसका अदिश गुणनफल पूछा गया। अदिश गुणनफल निकालने के लिए आपको ए बी करना पड़ता है, केवल ए वेक्टर बी वेक्टर आपको गुणा यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अब ए वेक्टर बी वेक्टर कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये चीज़ गुणा करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा इसमें, ठीक है। ये सिंपल है, आपको गुणा ही करना है, इसमें कुछ था नहीं वैसे, -4j है प्लस का 3k वेक्टर है, ठीक है। चलिए तो मैं आपको पहले इसमें गुणा करने से पहले ये बता दूँ, आई वेक्टर गुणे आई वेक्टर जब भी करते हो तो 1 आता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जे गुणे जे करेंगे तो 1 आएगा, के गुणे के तो 1 आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है ये सब थोड़ा आने चाहिए आपको, अब सीधे आपको बताते हैं कि 4 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, वो भी माइनस का है 2, तो -8 आएगा। अब ये कि आई गुणे आई कितना होता है आपको कितना हो जाएगा, तो वो आपका 1 होगा, तो इसलिए लिखते नहीं उसको सीधे, आपको जब भी आप किताब कॉपी या पेपर में देखेंगे तो सीधे आपका लिख दिया जाता है, या आपको छोटी क्लास में पहले लिखा जाता था आई गुणे आई, अब नहीं लिखा जाता। अब ये लिखा कि -2 - -4, तो प्लस का बन गया 4 × 8 हो गया। अब ये -5 + 3 तो 5 × 15 -15 होगा, क्योंकि माइनस और ये प्लस है तो माइनस ही तो आएगा। और के गुड़े को चलो इधर एक बार लिख देना, के गुड़े के कितना हो गया 1 हो गया, तो 15 × 1 कितना हो गया 15 हो गया, माइनस 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 प्लस कर गया 15 ही बचा आपका, ठीक है। तो इसमें इनमें से कोई ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं होगा, ऐसा भी पेपर में आता है कि इनमें से कोई नॉन ऑफ दीज भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये ऑप्शन हो, 0 भी हो, 0 ना लगाइएगा, अक्सर 0 लगा देते हैं। देखिए इसमें क्या है, गुणा था सिंपल, अदिश गुणनफल जब भी कहा जाए तो उसका गुणा करना है। अब ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या पेपर में हर बार आता है, ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं,
सब आपके अलग अलग टॉपिक को क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और लेवल बताइएगा कैसा है। ऐसे ही क्वेश्चन देखो दोस्तों, पूछे जाते हैं, किसी वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड से फेंका जाता है तो उसका महत्तम परस क्या है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक विशेष मतलब इम्पोर्टेंट चीज़, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर सॉरी 10 मीटर प्रति सेकंड से फेंका जाए तो उसका महत्तम परास क्या होगा। महत्तम परास का सूत्र पड़ा होगा आपने, परास वाला यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी होता है, जी होता है, ठीक है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर, यू कितना दिया है 10, यू स्क्वायर मतलब 10 गुणे 10, साइन टू थीटा कितना दिया गया, साइन टू थीटा। मान कैसे निकालेंगे पता है आपको, जब भी कोई चीज़ महत्तम दी जाती है, यदि किसी वस्तु को महत्तम परास से फेंका जाता है या अधिकतम परास से, तो महत्तम अधिकतम के सेंस में यहाँ पे थीटा 45 मानते हैं, ठीक है। महत्तम उस टाइम 45 मानते हैं, तो थीटा 45 हो गया, तो यहाँ पे जी का मान 10 हो गया, ठीक है। 10 यहाँ पे देखिए, 10 जी का मान 10 दिया था इसलिए काट दिया था, ठीक है। 10 कट गया, अब यहाँ 10 बचा और साइन टू थीटा बोल ले 45 है, रुकिएगा अब यहाँ लिख दे पूरी तरह से, 10 गुणे साइन, सिंपल सा बताने को वहीं बता देते कि 90 हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा, पर आपको अच्छी तरह समझ में आए इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये कि साइन ये 90 हो गया, साइन 91 होता है, तो 10 गुणे 1 मतलब 10 कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ये आर है क्योंकि, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 10, हाँ ये पहला ऑप्शन आप यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा सारे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। पहले ही 5 किलोग्राम की एक वस्तु छाती से 30 डिग्री पर झुके किसी घर्षण रहित तल पर रखी जाती है तो उस पर तल से नीचे की ओर लगने वाले बल का मान क्या होगा, क्या होगा यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। इसमें आपको काफ़ी टाइम भी लग रहा है ना, इस प्रैक्टिस सेट में आपको काफ़ी टाइम लग रहा है, तो आप जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊँगा, जल्दी जल्दी नहीं आराम से बताऊँगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये कि ये किलोग्राम है मतलब द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, तो मतलब ये 5 दिया एम, आपको ये सवाल सूत्र कुछ नहीं पता क्या है, कुछ नहीं आता आप इस सवाल में, तो आपको ये समझ सकते हैं कि इसमें जो जो दिया गया है पहले पहले वो लिख लीजिए। इसमें लिखा क्या है, 30 डिग्री झुके किसी घर्षण रहित तल तल पर, 30 डिग्री दिया मतलब थीटा दिया हो गया, थीटा दिया गया होगा 30 हो गया। अब जी का मान देख लीजिए, ये क्या दिया, जी का मान 10 दिया गया। अब इसमें बल बल पूछा गया, बल का मान क्या, अब ये बताइए एफ बराबर क्या, कैसे लगाएं, अब बराबर एफ बराबर क्या सूत्र लगा सकते हैं, एम जी दिया थीटा दिया, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, एफ बराबर क्या होता है एम जी, और यहाँ पे मान लीजिए थीटा, अब आपको समझ में आया क्या करें, तो अब एफ बराबर एम जी साइन थीटा, तो आपने रटा होगा पहले याद भी क्या होगा, अब बराबर एम जी होता है लेकिन थीटा भी दे दिया जाता है, तो अब बराबर एम जी साइन थीटा मानते हैं। इसका चित्र भी बनेगा, वैसे चित्र आपको पेपर में बनाने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा चित्र, ठीक है। इसमें चित्र बनाने कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। एम क्या है, 5 है, जी 10 है, साइन 30, साइन 30 का मान कितना 1/2 है, तो ये 2 × 5 = 10, 5 × 25 हो गया, 25 न्यूटन यहाँ पे राइट ऑप्शन है, बल का मात्रा न्यूटन होता है इसलिए 25 न्यूटन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन की संख्या दे सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से करिएगा। चलिए तो अब 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्षैतिज सड़क पर चलने वाली कोई कार यदि 180 न्यूटन बल का सामना कर रही है तो इंजन की न्यूनतम शक्ति क्या होगी। न्यूनतम शक्ति मतलब पी पूछा, शक्ति की मात्रा वाट होता, तभी आंसर आपके वाट में दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको पी यहाँ पे ज्ञात करना है, तो ये थोड़ा आपको कठिन लगेगा सवाल, मैं आपको सीधा यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा इसमें प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी तभी आप सवाल ये कर पाएंगे। पी बराबर क्या होता है बताइए जरा, पी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू बराबर क्या होता है बताइए जरा, डब्ल्यू बराबर एम जी होता है, एम जी एच होता है, ठीक, डब्ल्यू बराबर एम जी एच, ये टी हो गया। अब ये आपने पढ़ा होगा, एक मिनट रुकिएगा, एम जी यहाँ पर लिखते हैं, एच अपॉन टी को क्या ले सकते हो बताइए जरा, वी ले सकते हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अब क्या बचा, पी बराबर एम जी वी बचा, और एम जी क्या ले सकते हैं एफ, ये आपको थोड़ा कठिन लगेगा मुझे पता है, पी बराबर एफ वी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये कि पी का मान ऐसे निकालो या फिर सीधे ही रट लो कि पी, पी का सूत्र में ये भी ऐसे आता है, नहीं तो आपको बदलना पड़ेगा, इतना चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप थोड़ा बहुत या तो ऐसे पढ़ लीजिएगा सीधे, पी बराबर होता है एफ वी होता है, अब कितना दिया है 180। अब ये कि शक्ति पूछा गया था, पी पी के सूत्र में कैसा सूत्र पढ़ो कि जिसमें एफ आता हो, तो पी बराबर एफ वी, तो 180 हो गया। अब वी कितना दिया गया है, ये आपका सड़क वाला 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये न्यूटन के, न्यूटन की मात्रा क्या है, न्यूटन आपका क्या होता है, बल होता है,
बल कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है कि नहीं। तो अब इसको किलोमीटर में, तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो मीटर में इसको करोगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो 5/18 करते हैं, 1872 और 5×20 और 5×20 ठीक है, रुकिए गुणा करते हैं, 180 5×20 जीरो, 18×2=36 डबल जीरो लग गए, तो यहाँ पर 3600 आएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 मीटर लंबे तथा टन की पावर -6 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ कार के क्षेत्रफल वाले वाले तार के 1 मिलीमीटर के रद्दी करने के लिए किया गया कार्य क्या होगा यदि वाई बराबर 2×10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, ये कुछ नहीं आपका, ये कि सूत्र आपको लगाना, इसमें कोई ठीक है कठिन नहीं इसमें। चलिए तो इसमें सूत्र सिंपल से लगा दीजिएगा, यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, एफ बराबर होता है वाई ए, वाई ए एल स्मॉल एल होता है अपॉन में कैपिटल एल होता है ठीक है। चलिए तो इसमें कैसे आप मान रखेंगे, एफ बराबर हो जाएगा वाई का मान कितना दिया गया, जितना दिया लिख दीजिए, 10^11 2×10^11 दिया गया और ए का मान 10^-6 दिया गया और ये स्मॉल एल आपको कितना दिया गया है यहाँ पे आपका 10^-3 दिया गया है ठीक है। तो इसको आप ये कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, और यहाँ पे स्मॉल जो कैपिटल एल है वो आपको सबसे पहले दिया जाएगा ठीक है, कैपिटल आपका जो है वो आपका दिया जाएगा, लंबे जिसमें लिख के आएगा वो आपका कैपिटल एल होता है, तो कैपिटल का मान 2 दिया गया है ठीक है, 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं आपको बताऊंगा ये स्मॉल एल मैंने 10^-3 को माना क्योंकि 1 मिलीमीटर था, 1000 था ना, तो इसलिए 10^-3 मान लिया इसको ठीक है। तो अब इसको आप गुणा ही करना है आपको केवल, तो अब बराबर कितना हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन यहाँ पे 100 न्यूटन हो जाएगा, आपको केवल गुणा ही करना था इसमें, तो कर लीजिएगा गुणा ठीक है। चलिए तो उसके बाद क्या है आपका, अब बराबर यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या पूछा गया, इसके बाद भी पूछा गया, तो किया गया कार पूछा गया, W पूछा गया, तो उसके लिए आपको देखिए ये भी एक सूत्र आना चाहिए, W बराबर होता है 1/2 fL होता है, W बराबर हो जाएगा 1/2, F का मान कितना आया था 100 आया था, L कितना आया था स्मॉल L पूछा गया है, तो स्मॉल L तो आपको 10^-3 है, ये 50 आया, 50×10^-3 या फिर कह सकते हैं 0.05 जूल ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया, यहाँ पे कार भी पूछा गया था ठीक है। लिखा क्या आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र बर्नौली के प्रमेय पर कार्य नहीं करता है, तो ये बाह्य प्रेस हो जाएगा, जो प्रेस होता है, जो आपका बाह्य प्रेस होता है जो वो बर्नौली के प्रमेय पर कार्य नहीं करता है ठीक है। 58 का ये ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंबाई 2 मीटर है, यदि आवृत्ति का मान 100 हर्ट्ज हो जाता है तो तरंग लंबाई का मान क्या होगा। तो आप ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ आवृत्ति को N1 मानेंगे, N1 मतलब 200 हर्ट्ज दी गई है और एक दूसरी N2 आपकी 100 हर्ट्ज दी गई है, और तरंग लंबाई मतलब तरंग दैर्ध्य मानेंगे, λ1 2 दी गई और λ2 नहीं पता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था दो चीज़ पे फिजिक्स में, मतलब ध्यान दीजिएगा उनको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, विमी सूत्र मेरे यूट्यूब में मिल जाएगा, विमी सूत्र और प्ले लिस्ट में विमी सूत्र, और विमी सूत्र आपको मिल जाएगा और सूत्र फार्मूला जितने भी होते हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा, फिजिक्स के जितने भी पूरे फार्मूले आप रट डालिएगा, यूट्यूब में किसी का भी वीडियो देख लीजिएगा और विमी सूत्र पूरे रट डालिएगा ठीक है, तो आप उससे फ़ायदा आपका हो जाएगा, आपको फिजिक्स मजबूत हो जाएगी ठीक है। केवल तो ये आपको बता दिया कि N1 आवृत्ति होती है, λ1 तरंग लंबाई हो गई, λ2 ये सब दिया गया है, तो इसके लिए आपको सूत्र पता होगा, N1 λ1 बराबर होता है N2 λ2। अब आपको क्या है, λ2 दिया गया, पूछा गया, तो λ2 बराबर क्या होता है, N1 N2 λ1 होता है, तो N1 आपको कितना दिया गया, सीधी बात है N1 200 दिया गया, N2 आपका 100 दिया गया और λ1 आपका 2 दिया गया, तो 100 का गुणा 100 को मतलब ये 20 ये 20 कट गया, 2×4 हो गया, तो आपका 4 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया। सूत्र केवल याद करिएगा, N1 λ बराबर होता है, N2 λ2 होता है ठीक है। पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 61 नंबर क्वेश्चन है, प्रगामी तरंग अप्रगामी तरंग से भिन्न है, क्यों भिन्न है, अब बताइए क्या होगा, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये भी आपका, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपका स्कोर कितना गया ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका दूसरा यहाँ पर राइट ऑप्शन है, प्रगामी तरंग होती है जो अप्रगामी तरंग से इसलिए भिन्न होती है क्योंकि प्रगामी तरंग ऊर्जा में वहन करती है। अगला क्वेश्चन है, ये दिया गया आपका 62 नंबर क्वेश्चन है, शायद यहाँ पर लिखा हुआ अच्छी तरह नहीं लिखा यहीं पर ठीक है, ये देखिए लिखा कि
हाँ, अब देखिए, एक निकट दृष्टि वाला व्यक्ति 2 मीटर तक की दूरी से ज़्यादा साफ नहीं दे सकता। इस दोष के उपचार के लिए उपयुक्त चश्मे की फोकस दूरी है। पहली बात तो निकट है तो अवतल लेंस तो जरूर लगेगा। अवतल लेंस लगेगा मतलब माइनस मान से जरूर आएगा। माइनस मतलब ये नहीं कि इसमें माइनस आ जाएगा, माइनस चिन्ह यह दिखाता है कि वह लेंस जो अवतल लेंस रहेगा। माइनस का आंसर मतलब आएगा, फिर बाद में उसको पॉजिटिव कर देते हैं। कैसे कर देते हैं अभी बताएंगे आपको। चलिए तो इसमें क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिएगा। सूत्र है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस का 1/u, मतलब 1/u था तो 1/f पूरा मैं ले दे रहा हूँ, ठीक है। ये कि पूरा हट जाता है जब अनंत है तो इसको पूरा हटा देते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, यही केवल था छोटा सा रूल। 1/v भी आपको माइनस का मतलब 2 मानेंगे, तो माइनस का 2 f बराबर माइनस का 2 बचा था, ठीक है, ऐसे बताया था आपको। आपका टाइम भी हो गया, 19 मिनट हो गया, 20 मिनट का हो गया। निर्वात में प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड से एवं पानी का आपतनांक 1.32 है, तो पानी में प्रकाश का वेग क्या होगा। और ये बात थोड़ा मतलब चलिए वीडियो बीच में बताएंगे एक बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर है तो इसका सूत्र पढ़ा होगा μ = c/v, ठीक है। तो μ = c/v होता है, सी आपको कितना दिया गया है, सी आपका देखिए 3×10⁸ दिया जाता है। अगर ना भी दिया जाए तो आप समझ जाइएगा प्रकाश का वेग को सी से डिवाइड करते हैं, और सी प्रकाश का वेग हमेशा 3×10⁸ होता है, मीटर पर सेकंड होता है। सॉरी यहाँ पर गुणा रही है, तो हाँ गुणा लगाइए, 10⁸ होता है ना। तो अब वी का मान कितना दिया गया आपको, यहाँ पर 1.32 दिया गया है। तो म्यू तो आप ये कि गुणा भाग करिएगा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो म्यू बराबर भाग दीजिए 2.27×10⁸ मीटर पर सेकंड। ये अक्सर आपका ये सेम पूछा जाता क्वेश्चन। ये देखिए ये दिया गया आपका, और इसमें पूछा गया म्यू बराबर 10 IP है, जो किस नियम को दर्शाता है। तो ये आपको बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, आपको आना चाहिए। कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा 25 में आपको कितना आता है। बूस्टर का नियम है जो वो बताता है कि मतलब कि म्यू बराबर 10 IP होता है, ठीक है। 64 का राइट ऑप्शन यहाँ पे पहला राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। चलिए तो यहाँ पे क्या है, आवेश की पुनः वितरण से क्षय होता है। देखिए सबसे पहली बार न्यूमेरिकल आता है शुरुआत में, तो न्यूमेरिकल बीच में दे सकते हैं कभी भी। और आपका ये कि वो क्या कहते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं ये, थोड़े ऐसे क्वेश्चन आपके बन के आते हैं फिजिक्स में। वन लाइन देखिए कठिन भी होते हैं, सरल भी पेपर होता है आपका, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सब आपको ईजी लगेगा। बस ये सोचिएगा कि सरल है तो सरल लगेगा, ठीक है। चलिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे ही सरल लगेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। आवेश के पुनः वितरण से क्षय होता है, क्या होता है, क्षय होता है, हानि होता है मतलब। तो यहाँ पे 65 का चौथा ऑप्शन ऊर्जा का, एनर्जी का। वान डी ग्राफ जनित एक ऐसा यंत्र जिससे उत्पादित होता है, क्या होता है बताइए। तो यहाँ पे उच्च वोल्टता उत्पादित होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67 नंबर क्वेश्चन है। अब देख रहे हैं 6% मेरी बैटरी बची है, ठीक है, जिसमें कि 21 मिनट आपका ये हो गया, तो पढ़ा दूंगा मैं। कार्बन फिलामेंट वाला प्रदीप्त लैंप 25 वोल्ट के अंतर्गत 25 वाट पर कार्य करता है, लैंप का प्रतिरोध क्या है, ये आपसे पूछा गया है। 67 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जो दिया गया वो पहली बात तो ये कि वी दिया, और ये पी मतलब वाट, पी 25 वाट, शक्ति मात्र वाट होता है, तो इसलिए समझ में आ गया कि 25 वाट है पी। और ये आपका वी है, वी आपका 25 वोल्ट दिया है, ये वोल्ट है। अब ये पूछा गया कि आर लैम्ब का प्रतिरोध क्या, आर पूछा गया। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि पहले तो यहाँ पे सूत्र बता देते हैं, पी बराबर क्या होता है, वी आई होता है, और पी बराबर क्या होता है, वी आई। अब वी बराबर आपने सुना होगा आई आर, जहाँ पे आई बराबर हो जाएगा वी अपॉन में आर, यही यहाँ पे चीज़ रख देंगे, वी अपॉन में आर। अब v गुणे v हो जाएगा v स्क्वायर अपान में r, क्योंकि देखिए p के सूत्र से ऐसे करना था कि r निकल रहा है, तो p बराबर हो जाएगा v स्क्वायर अपान में r, या तो फिर सीधे याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है, नहीं तो आपको निकालने में टाइम लगेगा। अब यही r पूछा गया, तो r बराबर हो जाएगा v स्क्वायर अपान में p। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर चीज़ें नहीं दी जाती तो उनको सूत्रों द्वारा निकालते हैं, तो इससे अच्छा सीधे याद कर लीजिए, r बराबर होता है वी स्क्वायर अपान में पी होता है, r बराबर वी स्क्वायर, वी मतलब 25×25 वोल्ट है ये वाला आपका, और पी था हाँ तो 25 वाट है, 25×25 कट गया, तो r बराबर 25 बचा ओम, वो भी r प्रतिरोध का मतलब ओम होता है ना, तो आपका ठीक है बी ऑप्शन मतलब सेकंड ऑप्शन राइट है। घर में संधि का वाताप जिस पर तापी विद्युत वाहक बल की दिशा बदल जाती है कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा बताइए जरा। चलिए तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाए, उत्क्रमण का ताप ये दिया गया आपका।
चलिए, दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व का मान क्या होगा? यदि 150 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जब 1.25 सेकंड में धारा का परिवर्तन 50 एंगस्ट्रॉम हो। ठीक है, तो ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं। इसका राइट ऑप्शन मैं बता देता हूँ, ये केवल कमेंट में मुझे इसका आंसर बताइएगा, मतलब कमेंट में बताइएगा ये कैसे हल होगा। ठीक है, अधिकता होती है, अधिकता होती किसकी होती है? पी टाइप में। तो ये मैंने आपको बताया छिद्र की होती है। ठीक है, 70 का यहाँ पे राइट ऑप्शन, यहाँ पे तीसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपका 70 का तीसरा ऑप्शन राइट है। एक मिनट रुकिएगा, 70 का तीसरा राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा अवकरण का गुण नहीं है बताइए? तो 71 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ये गुण होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन ये नहीं होता, इसलिए राइट ऑप्शन वैसे यही है। ठीक है, याद कर लीजिएगा कौन कौन अवकरण का गुण ऑक्सीजन का वियोग होता है, संयोजकता घटती है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है, लेकिन ये वाला नहीं होता है। ठीक है, ये आपका राइट है। कास्टिंग सोडा है, क्या है आपका कास्टिक सोडा? 72 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका दूसरा भस्म है। ठीक है, हाँ एक बात अब बता देता हूँ 75 नंबर क्वेश्चन से पहले। देखिए, मैंने आपको एक बुक है उसका मतलब पूरा मैंने प्रैक्टिस सेट करा दिया है, उसमें दो बुक की करा दी जिसमें आपको 70 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 70 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। अगर वो चाहिए आपको, अगर वो चाहिए तो इसी वीडियो के लिंक, इसी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, बस एक बार बोलिएगा लिंक चाहिए तो मैं लिंक डाल दूंगा। दो प्रैक्टिस सेट, उसमें एक में 35 है, एक में 34 है, या फिर 25 है, मुझे पता नहीं, ऐसे कुछ है, 50 तक तो आपके प्रैक्टिस सेट उसमें। तो आप उनको अच्छी तरह प्लीज़ देख लीजिएगा, और उसमें फिजिक्स आपकी अच्छी खासी ठीक ठाक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। पहले उसको देख लीजिएगा फिर आपको, ठीक है, बिल्कुल जैसे नहीं आती तो नॉर्मल हो जाएगी उसमें फिजिक्स आपकी। तो बताइएगा, मैंने आपको फिजिक्स बहुत पहले ही कराई थी तो देखिएगा। ठीक है, क्लोरोफिल में उपस्थित धातु है क्या होती है बताइए जरा? तो यहाँ पे मैग्नीशियम होता है, Mg। ठीक है, अगला है ग्लाइकोजन का पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य क्या कार्य करता है, कहलाता है? ग्लूकागॉन कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तीनों में देखिए ग्लूकोजन का ग्लूकोज में तो मतलब ग्लूकागॉन होगा। ठीक है, सेम भी है, याद हो जाएगा। फॉलिक अम्ल की गोली खाने की सलाह दी जाती है, 75 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे तीसरा राइट है। एनीमिया में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, ये पता होगा, लेकिन फॉलिक अम्ल की गोली खाने की सलाह दी जाती है एनीमिया पे। ठीक है, और ये बात दोस्तों याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, फिजिक्स के, एयरफोर्स के पिछले ग्रुप, पिछले जो पेपर पूछे गए थे एयरफोर्स के, उसी एग्जाम के मैंने क्वेश्चन लिए थे। अब ये क्या आपका ये काम है केवल कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मैंने आप केवल ये कि आप एक मिनट बाद ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा, डिफेंस स्टडी चैनल पर जाइएगा। ठीक है, ऐसे सब्सक्राइब मत करिएगा, पहले तो चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिए आपको जो भी चाहिए वो प्ले लिस्ट में, आप पूरे लास्ट तक प्ले लिस्ट देखिएगा तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। पूरा स्क्रॉल करिएगा लास्ट तक, आपको एयरफोर्स के एक्स ग्रुप की फिजिक्स मिलेगी, उसमें मैथ भी मिल सकती है, कोई को मैथ भी कराएं, और इंग्लिश तो आपको ढेर सारी कराएं, जीके तो बहुत सारे आपको करा डाली है। तो आप प्लीज़ देखिएगा जाकर, यदि आपको ये वाला पिछले वर्ष का पेपर था एयरफोर्स का, यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा।